हेलो फ्रेंड्स, तो आज मन किया कि आप लोगों से रूबरू हो जाऊं। मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हो, सुजीत कुमार सिंह, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो इसको रेगुलरली देखिए, बेसिक तक ख़त्म हो चुका है, फाउंडेशन बेसिक। अभी एडवांस का आज फर्स्ट सर्वे का कुछ पार्ट डाला हूँ। देखने से फ़ायदा हो गया, पैसा खर्च नहीं करने का है, साइट से आके लंच में देखना है, संडे को देखना है, रात में सोने के समय जो आप लोग वीडियो वगैरह देखते हैं तो उस समय आप देखिए, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ आज तक सीखे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जीवन में संघर्ष तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, उसे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं तो काम के साथ साथ स्टडी भी करते रहिए। मेहनत तो करना है, स्टडी भी करना है, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो स्टडी करना है। कोई दिक्कत है फ़ोन करके पूछिए, 8942889941। साइट से भी डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, हर तरह का आपको मदद मिलेगा। किसी भी समस्या में आप उलझ जाते हैं उसमें मदद मिलेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ समय निकलने के बाद, कहावत है, सांप चला जाए उसके लकीर को पीटता है लोग, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से वीडियो देखिए, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, किसी बुक में नहीं है ये, टोटल मेरा एक्सपीरियंस। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के बनाता हूँ, मेरे दिमाग में जो जो आता है वो बताता हूँ, जो एनकाउंटर हुआ है, जो होने वाला है आप लोगों के साथ, या जो होता है अक्सर इंजीनियर के साथ। तो मेरा आपसे ये मशवरा है, रिक्वेस्ट नहीं है, मशवरा है, सलाह है, सजेशन है कि वीडियो को आप देखिए और एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश कीजिए, अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो बहुत ही ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो जीवन भर संघर्ष है, कंपटीशन है, मार्केट में बहुत इंजीनियर है, तो सचेत हो जाइए अभी से। खास करके अगर एक्सपीरियंस लेवल आपका 10 साल के आसपास है, या फ्रेशर हैं आप, या 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरा एक सजेशन है कि अगर 5 साल का एक्सपीरियंस तक है और आपको गवर्नमेंट जॉब का जो उम्र बचा हुआ है तो तैयारी करने का, यूपीएससी का तैयारी कीजिए, स्टेट सर्विस कमीशन का तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कीजिए। हो सकता है नहीं हो, लेकिन तैयारी अगर आप दिल से करते हैं, पूरा जोर लगा कर, तो आपका तैयारी वो खाली नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैटर करता है। अगर ईमानदारी से तैयारी किए हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, चाहे यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में आपका इंजीनियरिंग जॉब में नहीं लगा, चलिए नहीं लगा, लेकिन अगर ईमानदारी से तैयारी किए हैं तो वो आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है उससे। कम से कम जब तक एज है सर्विस का, अगर आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का कोशिश कीजिए। और आजकल तो एक ही एक रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, हर स्टेट और पीएसयू जो है सो गेट का स्कोर पर ले रहा है, एक ही एग्जामिशन देना है। हम लोग के टाइम में तो हर IOC अलग ले रहा है, ONGC अलग ले रहा है, स्टेट अलग ले रहा है। अभी तो मोस्टली यह जो बोर्ड है, मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
वो सभी गेट पढ़ाते जा रहा है, गेट एग्जामिशन दीजिए, साथ साथ यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज दीजिए, अगर तैयारी अच्छा से है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं लगा तो स्टेट में तो लग ही जाएगा, उसमें भी नहीं लगा तो जैसे बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज है, चाहे और अपने स्टेट का सिविल सर्विसेज है, वो सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें तो सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं लग जाएगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन में अपने आप को रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, मेहनत तो बहुत है फिर, और शायद बताने वाला भी नहीं है कोई आपको। तो मेरे पास जो भी ट्रेनिंग आते रहा, मेरे अंडर में जो भी लड़का काम करने के लिए आते रहा, सभी को मैं बताता रहा, कुछ तो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया, वापस चला गया जॉब स्वर्ग, कंपटीशन दिया, एग्जामिशन तैयारी किया, गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया। ये जनरली होता नहीं है, कुछ कंपनी जैसे L&T है, F-Cons है, KEC है, एक दो और कंपनी हो सकता है जिसमें ट्रेनिंग का बहुत अच्छा सुविधा है, डेवलपमेंट का है, वो सब ट्रेनिंग देता है, लेकिन फिर भी 8-10 साल या 15 साल जॉब करने के बाद जो है सो हमको तो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि वो उस ढंग का वातावरण नहीं रहता है। 100-200 में इंजीनियर में 1-2 को ऊपर लेकर जाता है, कंपटीशन बहुत टफ होता है, जिसको लगता है कंपनी को जिस लगता है कि इस इंजीनियर से इस स्टाफ से अधिक फायदा है उसको ऊपर उठाता है, सैक भी कर देता है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, ऐसा बात नहीं। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपका एज बचा हुआ है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, नहीं भी होता है तो आपको फायदा करेगा, अदरवाइज पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए, जानकारी लीजिए कंस्ट्रक्शन के बारे में, और कंक्रीटिंग तो सुपरवाइजर करवा देगा ना, क्या दिक्कत है, कंक्रीटिंग सुपरवाइजर करवा देगा, आप क्यों सुपरवाइजर का काम करने का। मैं तो देखा हूँ 10-15-20 साल एक्सपीरियंस रहता है इंजीनियर का और खराब के कंक्रीटिंग करवाता है, इसी के लिए इंजीनियरिंग पढ़ा क्या, खराब के कंक्रीटिंग कराना था तो इंजीनियरिंग पढ़ने का क्या जरूरी था, तो ITI कर लेता है या सुपरवाइजर किसी कंपनी में रहकर सुपरवाइजर के काम सीख लेता। तो अगर 10 साल तक का उम्र है तो सचेत हो जाने का, 10 साल तक भी लेटरल एंट्री होता है PSC में, और सेंटर में तो 25-28 वर्ष और वो स्टेट में 35 वर्ष ऐसा कर करके है, रिजर्वेशन है तो और एडवांटेज है, तो सब फायदा उठाइए ना, उसको फायदा उठाइए, अपने आप को कंक्रीटिंग सुपरवाइजर नहीं बनाने का। मालूम हुआ है कि वो 15 साल से काम कर रहे हैं, लेबर के पीछे पीछे घूम रहा है, सरिया उठा रहे, शटरिंग उठा रहे, हाँ पंप लगाओ, कंक्रीट स्टार्ट करो, TM वाले को फोन करो, इसी के लिए इंजीनियरिंग पढ़ाया गया है। तो आप सचेत हो जाइए, चाहे पैसा कम मिले, ऐसा कंपनी पकड़िए जिसमें पढ़ने का समय आपको मिले। या मेरा कई सारा फ्रेंड है, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैं जॉब ज्वाइन कर लिया इधर उधर प्राइवेट, मेरा बहुत सारा फ्रेंड जैसे 91 में पास किया, बहुत सारा फ्रेंड जो जॉब ज्वाइन नहीं किया, कैंपस में सिलेक्शन हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया, वो लोग स्टेट सर्विसेस UPSC करते यार। अच्छा, तो कोई मीटिंग में चला गया था, हाँ दरवाजा बंद कर दो। तो मैं जॉब के चक्कर में पड़ गया, मेरा बहुत सारा फ्रेंड जो है सो तैयारी करता था, आज वो लोग जो है सो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लेवल पर है, कोई कहीं डायरेक्टर है, आधा से अधिक तो फॉरेन कंट्री चला गया, और हम जो है सो प्राइवेट जॉब करते रहे। ये है कि मेरा कॉलेज NIT राउरकेला था, तो इसको एडवांटेज मिलते रहा और ठीक ठाक कंपनी मिला, लेकिन
वो चीज़ है नहीं जो हमको चाहिए था सो मिला नहीं, तो खैर तो अभी मेरा समय निकल गया, लेकिन आप लोग को सचेत हो जाना है। नहीं सचेत होंगे ये सब चीज़ बताने वाला भी कोई नहीं है। कौन आपको बताएगा ये सब चीज़? कोई नहीं बताएगा ना। आपका जहाँ कंपनी में काम कर रहे होइएगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर आपका इंचार्ज होगा, थोड़े बैठ कर बताएगा ये सब चीज़? नहीं बताएगा। उसको क्या जरूरी है? उसको तो ऐसा स्टाफ का जरूरत है जो कि बैठ कर उसका ग्रीटिंग करवाए, वहाँ पर डेली 100 किलोमीटर कंक्रीट कराए, उसको ये जरूरी है? उसको क्या मतलब है आपके करियर से? तो बहुत जरूरी है ना फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म। शुरू में लगता है कुछ पैसा आ रहा है चलो बढ़िया है, लेकिन वो बेकार चीज़ है। वैसा पैसा से नहीं पैसा अच्छा है। मेरा बहुत सारा फ्रेंड दिल्ली में रहकर तैयारी करता था और 10th और 12th वगैरह का स्टूडेंट को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के कहाँ का। एक एक मेरा फ्रेंड जो है सो वो नोकिया में इंडिया के हेड है अभी, वो दिल्ली के कटवारिया सराय में रहकर वो IIT टारगेट किया था कंप्यूटर साइंस, लेकिन हुआ नहीं। तो इग्नू से कंप्यूटर साइंस में BCA किया, MCA किया, अपना खर्चा ट्यूशन पढ़ा के निकलते रहे, और अभी जो है सो नोकिया का सॉफ्टवेयर का इंचार्ज है पूरा इंडिया के, इंडिया के एशिया का है। जो जियो का जो मोबाइल सिस्टम है उसका सॉफ्टवेयर नोकिया के पास है, नोकिया हार्डवेयर से निकल गया है, सॉफ्टवेयर का काम तो करता है। तो अपना ट्यूशन पढ़ा के और कोचिंग में पढ़ा के अपना खर्चा निकलता था। इंजीनियरिंग अगर सही से आप किए हुए हैं तो अगर लाइबिलिटी नहीं है आपको तो अपना खर्चा निकालना कौन बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं है। तो सजेशन मेरा फॉलो कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ उसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बोलता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ आ जाता है दिमाग में, उसको भी मैं बोल देता हूँ। तो आप लोग देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए, कमेंट कीजिए उस पर और सजेशन भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे के पास भी पहुँचे। उसको कीजिए है ना, कीजिए उसको पूरा देखने का हो, ये नहीं कि थोड़ा देख लिए ये हो, क्योंकि बनाते हैं तो मैं तो जॉब करता हूँ, कभी 12 बजे रात में बनाता हूँ, कभी 3 बजे 4 बजे सवेरे बनाता हूँ, लगता है कि बताना चाहिए, कुछ दिमाग में आता है तो मैं उठ के वीडियो बनाता हूँ। तो आपको देखना है, देखना चाहिए, और भी इंट्रैक्शन होते रहेगा मेरा। तो फिलहाल मैं चाय पी रहा हूँ, और आपका कितना टाइम हो रहा है? मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, अभी टाइम हो रहा है 3:51। तो आप लोग भी लंच करके साइड पर जाने का कोशिश कर रहे होंगे, मन कर रहा होगा इसलिए कहाँ से आ गया इधर, नहीं जाना तो पड़ेगा ना, नौकरी कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा। जाइए साइड पर, नहीं जाइएगा तो लेबर कहीं सोया होगा, वो शटरिंग उठा कर टीना के अंदर में, पाइप के अंदर में उसको उठा के काम करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपने लिए समय निकालिए, पढ़ाई कीजिए। तो ऐसा समझता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।